जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम लोग कुछ दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है एनसीएल रिसर्च। सबसे पहले इसी कंपनी के बारे में बात होगी क्योंकि इस कंपनी में चूंकि लोअर सर्किट अभी लग गया है जो कि पिछले सप्ताह तक अपर सर्किट में चल रहा था, तो इस कंपनी के लेकर इस कंपनी के शेयर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले एनसीएल रिसर्च के बारे में रिसर्च करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। शुरुआत एनसीएल रिसर्च से करते हैं। देखिए, नाम में एनसीएल रिसर्च लगा है, कंपनी रिसर्च या किसी अनुसंधान के कार्य से नहीं जुड़ी हुई है। कंपनी का बेसिकली काम है, एक एनबीएफसी कंपनी है, तो जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं वो बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं और जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इसकी कमाई होती है। लेकिन इसके अलावा एक कंपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी करती है शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में कह लीजिए। तो ये कंपनी का काम है। हमें यहाँ समझना होगा कि कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 55 करोड़ के आसपास है, यानी कि 100 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। और जो बेसिकली मार्केट कैप लिहाज से छोटी कंपनियां होती हैं उनमें पंप एंड डंप का खेल चलते रहता है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा यदि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की हिमाकत रखते हैं। तब आपको ये मानकर चलना होगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं आसानी से निचली लेवल पर बाई करते हैं और उनके हाथ में होता है प्राइस को उठाना या गिराना, क्योंकि वो हमारे और आपके इससे 1, 2, 4 शेयर नहीं बाई करते हैं, करोड़ों में इस तरह की कंपनियों के शेयर को बाई करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों में किसी कंपनी के शेयर हैं तो कुछ पैसा भी शेयर पर बढ़ता है तो उनके लिए अच्छी खासी कमाई का वो जरिया बन जाता है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स के हाथों में होती है प्राइस को बढ़ाना या घटाना। और एक बात यह भी सच है कि इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ज़्यादातर लोअर सर्किट में होती हैं, अपर सर्किट कभी कभी लगता है। पिछले सप्ताह तक जहाँ एनसीएल रिसर्च में अपर सर्किट लगा था, अच्छा खासा शेयर बार प्राइस भाग रहा था, अभी देखेंगे तो इस सप्ताह में आज पहला ही दिन है सोमवार इस सप्ताह का और आज भी लोअर सर्किट में ये स्टॉक चल रहा है। अभी तकरीबन 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब, और अभी इसका शेयर प्राइस तकरीबन 52 पैसा के आसपास चल रहा है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कंपनी में या इस तरह की कंपनी में लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं तब तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या इसमें गिरावट आ रहा है या कब अपर सर्किट लग रहा है इससे आपको कोई चिंता या खुशी की बात नहीं है यदि आपका नज़रिया इसमें लंबी अवधि का है तब। और एनसीएल रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये अलग बात है कि प्रमोटर्स थोड़े से कम हुए हैं पिछले कुछ समय में, लेकिन फिर भी आने वाले समय में कंपनी आपको बेहतर रिटर्न दिला सकती है यदि आप मजबूती के साथ इस स्टॉक में बने रहेंगे तब। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास धैर्य होना चाहिए। यदि धैर्य है तो आप इस तरह की कंपनी में बने रहिए और कब अपर सर्किट लग रहा है कब लोअर सर्किट लग रहा है इस तरह की तनाव से बिल्कुल दूर रहिए। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप जान गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जिसका नाम है यामिनी इन्वेस्टमेंट। देखिए, यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम में ही इन्वेस्टमेंट लगा है तो आप समझ सकते हैं कंपनी इन्वेस्टमेंट का व्यापार करती है, काम करती है। हालांकि ये भी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक छोटी सी कंपनी है जो बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। मेन रेवेन्यू जो लोन देती है उससे इसको जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से इस कंपनी की कमाई होती है। लेकिन इसके अलावा ये कंपनी भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 50 करोड़ रुपये के आसपास है और शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस में आज तकरीबन 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिला है और शेयर प्राइस अभी 95 पैसे के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है 1.19 रुपया का, यानी कि 1.19 रुपया का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसके लिए रुकआउट का काम कर रहा है। यदि इसका स्टॉक इसका शेयर प्राइस 1.19 रुपये के लेवल को पार करके ऊपर कर चला जाता है यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तब इसका प्राइस बहुत जल्द आपको 2 रुपये और फिर आपको 2.5 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। और यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बेहतर हुए हैं, पिछले क्वार्टर तक यानी Q1 तक जहां इसका सेल्स बिल्कुल जीरो था, इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में बढ़कर तकरीबन 1.11 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। वहीं जहां इसका पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख था, इस बार बढ़कर 18 लाख रुपए हो गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कितनी एग्रेसिव तरीके से कंपनी काम कर रही है जिसकी बदौलत इसका फंडामेंटल में मजबूत होते हुए इसका फंडामेंटल दिख रहा है। तो आने वाले समय में ये कंपनी भी आपको बेहतर करती हुई दिख सकती है और इसने कुछ समय में अच्छा रिटर्न दिया भी है। इस बात को आपको अच्छे तरीके से पता होगा यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तब। तो आपको इन दोनों ही कंपनियों में, और चूंकि पेनी स्टॉक है इसलिए भी आपको धैर्य बना के रखना होगा, तब आप पेनी स्टॉक से आने वाले समय में अच्छे अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों कंपनियों के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर भी मन में कोई समस्या है, कोई सुझाव या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एंजल उनके साथ और ट्रेडिंग करने के लिए एम स्टॉक के साथ, क्योंकि एम स्टॉक में ब्रोकरेज नहीं लगता है, ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। आपको जो सुविधा हो जिसके साथ आप जाना चाहें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।